हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MJPRU BCom ऑनर्स के पार्ट 3 के सिलेबस के बारे में। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स अभी सेकंड ईयर से पार्ट 3 में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये सिलेबस की वीडियो देख लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखते हैं ग्रुप ए के फर्स्ट पेपर में कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन टू बिजनेस। तो गाइस, ग्रुप ए का पेपर सेकंड है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ये है आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जिसके लिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है। और गाइस, हम आपके लिए बहुत जल्द अपने चैनल पर वीडियोस लाने वाले हैं, सो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ग्रुप बी का पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट। सो गाइस, ये भी है एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को भी हमें अभी से ही पढ़ देना चाहिए। ग्रुप बी का पेपर सेकंड होगा ऑडिटिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी पढ़ते हुए काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा CA का और हमारे ऑडिटिंग वर्क का बहुत ज़्यादा काम मिलेगा आपको। सो गाइस, ग्रुप सी का पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो गाइस, ये भी है एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट की भी अभी से ही हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमें पार्ट 3 को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ग्रुप सी का पेपर सेकंड है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसकी थ्योरी थोड़ी टिपिकल टाइप है, इसलिए इस सब्जेक्ट को भी थोड़ी अच्छी तरह से हमें पढ़ना होगा। ग्रुप डी के पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट और काफ़ी एंटरटेनिंग सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मार्केटिंग स्किल्स। इफ़ यू वांट टू बी MR तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ग्रुप डी की बात करें तो पेपर सेकंड है इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी ये पिछले सब्जेक्ट से कुछ मिलता जुलता है, तो काफ़ी एक दूसरे को रिलेट करने वाले हैं ये दोनों सब्जेक्ट। और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ के आप इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। ग्रुप ई की बात करें तो पेपर फर्स्ट में रखा गया है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। किसी बच्चे को इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर में जाना है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा। बात करें हम ग्रुप ई के पेपर सेकंड की तो यहाँ पर है आपको बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। तो गाइस, बैंकिंग का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ करके मिलने वाला है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंटेंट रखा जाता है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ग्रुप एफ का पेपर फर्स्ट है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो गाइस, आप देख रहे होंगे ये ई और एफ जो ग्रुप हैं ये एडिशनल ग्रुप हैं, जो आप ग्रुप डी और डी की जगह ई या एफ में से कोई सा भी एक ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप एफ की बात करें तो आपको पेपर सेकंड में मिलेगा एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। सो गाइस, ये था आपका पार्ट 3 का पूरा सिलेबस। इस सिलेबस को देखकर हमारे चैनल पर बने रहिए और